गाइज वेलकम यू ऑल टू द चैनल। कोर्ट का नाम आते ही मन में एक ही बात आता है, बहुत लंबा चलेगा। और ऐसा होता भी है कई बार, इसी वजह से लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, अपना मन मार के रह जाते हैं, अपना अपने जो राइट्स है उसको भी छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, मुझे नहीं करना है क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, बहुत समय लगेगा, तो छोड़ देते हैं। अगर प्रॉब्लम की बात करें तो लोगों के मन में यही आता है कि कोर्ट सिस्टम प्रोसीजर ये जो बनाया गया है ये बहुत ही गलत है। कई जगह एडवोकेट्स डिले कर देते हैं, कई जगह कोर्ट की वजह से डिले हो जाता है, बट इसके बावजूद भी हम कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि हमारा केस जल्दी से जल्दी डिसाइड हो सके, उसमें जल्दी से जल्दी फैसला आ सके। तो आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे आप यूज़ करके हम उसमें जल्दी से जल्दी फैसला ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी उस केस से निपटारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो है सेल्फ इंटरेस्ट। जी हाँ, आपको अपने केस में खुद से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने केस फाइल कर दिया, वकील साहब को बता दिया, वकील साहब ने केस फाइल कर दिया और आप पूछ भी नहीं रहे वकील साहब को। क्या होता है कि डेट आया, डेट पे सिर्फ फ़ोन कर, डेट के दिन फ़ोन कर लिया कि हाँ जी क्या हुआ, बस इतना। उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको डेट जिस डेट है उस डेट से पहले ही आपको अपने वकील साहब से फ़ोन करके पूछना है, फिर अगर आपके पास टाइम हो तो जाके खुद मिले उनके चैम्बर में कि क्या चल रहा है, क्या हमारा नेक्स्ट मूव है, हमारा नेक्स्ट डेट ये है, इस डेट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कुछ फाइल करने वाले हैं तो क्या फाइल करने वाले हैं, और आप अटेंड करने जा रहे हैं फिर आपके जूनियर अटेंड करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने लॉयर से पूछें, सो दैट आपके लॉयर काफ़ी प्रोएक्टिव रहे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी लेजी हो गए, आपने ढीलापन दिखाया, तो वकील साहब आपसे ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने केस के बारे में अपडेट रहें। जब भी आपका केस का डेट आए तो आपको करना ये चाहिए कि उनसे पूछे कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या है, डेट आने वाली है, उसमें हम क्या करेंगे, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब डेट कोर्ट में आए तो आप उस डेट पे आपको अटेंड करना चाहिए। अगर आपको पॉसिबल नहीं है अटेंड करना तो आप किसी को भेजें आपके बिहाफ पे, कोई जाके अटेंड करे, सो दैट आप अपडेटेड रहें, आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो कि आपके केस में क्या चल रहा है, क्या हुआ है। बट अगर आप अगर कोई आपने केस किया हुआ है तो आप अपने लॉयर से डिस्कस करें कि जो भी हमारा नेक्स्ट मूव है वो उसके बारे में हमें अपडेट करें, उसमें क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपने लॉयर से अपडेटेड रहें और हमेशा पूछते रहें। बिकॉज अगर जैसे ही आप लेज़ी होते हैं, आप केस पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो वकील साहब आपसे ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे और उनका ध्यान और सारी चीज़ों पर चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है एडवोकेट। केस जब भी आप करते हैं तो वकील साहब को दे देते हैं, तो आप ऐसे वकील को दें जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। जैसे अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट को दे जो उसमें एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। अगर कोई सर्विस मैटर है तो उसके स्पेशलिस्ट को दे। जब भी आप किसी लॉयर को हायर करें, कोई केस दे रहे, तो आप मालूम कर लें कि वकील साहब उसमें एक्सपर्ट हैं या नहीं। इससे धोखे में ये ना रहे कि वो सीनियर दिख रहा है तो उसे ज़्यादा एज है तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा समझ होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आदमी कर देता है, सबसे बड़ी गलती यही कर देता है कि आदमी को लगता है कि एज उनका ज़्यादा है तो उनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगा, ज़्यादा नॉलेज होगा। बट ऐसा नहीं है। एडवोकेसी एक ऐसा फील्ड है कि इसमें कभी भी कोई भी एंटर कर सकता है। आप कभी भी LLB करके आप एडवोकेसी यानी वकालत स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो रिटायर्ड पर्सनस हैं, इंडियन नेवी से, एयरफोर्स से, आर्मी से, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट लेने के बाद LLB करते हैं, LLB करने के बाद वो वकालत का प्रोफेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको लगता है कि इनका एज ज़्यादा है तो इनके पास काफ़ी एक्सपर्टीज़ होगा, नॉलेज होगा, और आप ऐसे पर्सन को, ऐसे वकील साहब को आप अपना केस दे देते हैं और आप अपना केस हार भी जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जिस भी वकील को दे रहे हैं उनके पास इसका नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है या नहीं, सिर्फ एज फैक्टर को देख के आप नहीं जाएं। और जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है किसी क्लाइंट के साथ तो इसका खामियाजा सारे वकीलों को भुगतना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि वकील साहब ने मेहनत नहीं किया, अपोजिट पार्टी से मिल गए, जबकि वकील साहब को खुद इस मैटर में कुछ नॉलेज नहीं होता, इस मैटर में काम करने नहीं आता। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि ये आपके केस को गलत वे में इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है कोर्ट। देखिए, कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हमेशा ट्राई करें कि आपका कोर्ट अच्छे जज साहब के पास लगे। जज साहब भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ जज बहुत डीले होते हैं, कुछ जज होता है कि एकदम फास्ट चलते हैं। तो ये देखें कि कौन से कोर्ट में आपका मैटर लग रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर लगने लायक है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाएं, सो दैट आपका जजमेंट जल्दी से जल्दी आ सके। जनरली अगर बेल लेना होता है या फिर कोई केस फाइल करना होता है तो हम ये देखते हैं कि कौन से जज साहब के पास मैटर जाएगा।
सो दैट शॉर्ट जो जज शॉर्ट दे देते हैं उनको भी अप्रोच करते हैं और ये ध्यान देते हैं कौन से कोर्ट में जाएगा, कौन से जज के पास जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लॉयर्स केस फाइल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा जज जल्दी फैसला देता है, कौन सा जज शॉर्ट डेट देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविज़न एंड एप्लीकेशंस इन द एक्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन्स हैं जिसमें टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको मैटर डिसाइड करना है और केस को निपटाना है। जैसे CPC में देखें ऑर्डर 37 में तो उसमें टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें ये दिया हुआ कब केस फाइल करना है, कितने टाइम में अपोजिट पार्टी को रिप्लाई फाइल करना है विद इन 60-90 डेज में। तो ये सारा प्रोसीडिंग का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जिसमें कि फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ होता है तो सेक्शन 12 में केस फाइल करती है। तो उसी में एक सब क्लॉज है 5 जिसमें 60 डेज का पीरियड दिया हुआ है कि अगर कोई भी केस आता है तो मैजिस्ट्रेट 60 डेज में केस को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए अगर सेक्शन 12 के अंडर में आता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपका कोर्ट में, लोअर कोर्ट में सपोज कोई मैटर पेंडिंग है 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स से पेंडिंग है या 5 ईयर्स तक हो गया है, तो आपका करना ये चाहिए कि आप आर्टिकल 32 के अंडर में रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में और कोर्ट को बता सकते हैं कि सर सो एंड सो कोर्ट में सो एंड सो मैटर मेरा पेंडिंग है बहुत साल से, मोर देन 5 ईयर से पेंडिंग है, तो इसे आप और लोअर कोर्ट के लिए ऑर्डर दे कि वो जल्दी से जल्दी इस मैटर को निपटाए, इस मैटर को ख़त्म कर दें। तो हाई कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सकता है और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप ये पर्टिकुलर केस को 6 मंथ से 1 ईयर के टाइम पीरियड में आप इसको डिसाइड कर दें। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप रिट भी लगा सकते हैं हाई कोर्ट में और अगर हाई कोर्ट में खुद मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट। देखिए बहुत सारे मैटर केसेस ऐसे होते हैं जो सेटलमेंट के थ्रू ख़त्म हो सकते हैं। सेटलमेंट के लिए सेक्शन 320 CRPC में की बात करें तो उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दिया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेज हैं जो कंपाउंडेबल हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के अपने मैटर को ख़त्म करा सकते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, विद परमिशन एंड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें जो कंपाउंडेबल है उसको आप ख़त्म करा सकते हैं कोर्ट के परमिशन के थ्रू, और जिसमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना केस ख़त्म करा सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निपटारा पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर आपके केस कोर्ट में है और एविडेंस लग चुका है तो एविडेंस में सामने वाली पार्टी के पास कोई एविडेंस नहीं है, आपको लगता है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उनका एविडेंस बहुत वीक है, या फिर सामने वाली पार्टी ने एविडेंस के टाइम पे कुछ बोल ही नहीं पाए, तो ऐसे कंडीशन में आप एप्लीकेशन लगा के अपना केस ख़त्म करा सकते हैं। तो केस भी दो टाइप का होता है, एक समन्स ट्रायल और एक वारंट ट्रायल। तो समन्स ट्रायल में सेक्शन 248 में जा सकते हैं और वारंट ट्रायल में 255 CRPC में। उसमें एप्लीकेशन लगा के आप जज साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी का जो एविडेंस है काफ़ी वीक है, उसने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिया है, तो इस स्टेज पे मुझे एक्विटल किया जाए, और जज साहब उसको उसी टाइम रिव्यू करके आपके लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। बट ऐसा तभी करें जब आपको लगे कि सामने वाले के पास कोई एविडेंस नहीं है, उसका एविडेंस बहुत वीक है, तभी करें, अदरवाइज इस प्रोविज़न का यूज़ बिल्कुल नहीं करें। नेक्स्ट आता है प्ली बार्गेनिंग। सेक्शन 265B CRPC में इसमें प्ली बार्गेनिंग के लिए दिया हुआ है, अगर कोई भी केस सेक्शन 320 CRPC में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में उसमें मेंशन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि जो कोई भी अगर जेल टर्म है, अगर 7 ईयर से लेस का जेल टर्म का प्रोविज़न है तो आप 265B CRPC में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और केस को ख़त्म कराने के लिए प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। बट इसमें यह है कि दोनों पार्टीज़ को अग्री करना चाहिए, दोनों पार्टी अगर अग्री करते हैं तभी ये ख़त्म हो पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर प्ली बार्गेनिंग में जाते हैं आप 265B के थ्रू तो आपको ये ध्यान रखना हो कि ये एक ही बार आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है, तो आप इस राइट को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करें ताकि आपको अगर इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप खुद को बचा सकें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है प्ली बार्गेनिंग का। नेक्स्ट आता है सेक्शन 482 CRPC, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें आप कोर्ट में के थ्रू अपने मैटर को क्वेश करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी ने जिसने केस किया हो या फिर स्टेट के अगेंस्ट स्टेट ने जो किया हुआ है उनमें सफिशियंट एविडेंस नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो आप ये कोर्ट के सामने बात रख सकते हैं और अपने फेवर में डिसीजन ले सकते हैं कोर्ट से। सेक्शन 482 CRPC हाई कोर्ट
में तभी मैटर लगाएं जब आपको लगे कि सामने वाली पार्टी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, उनका एविडेंस बहुत ही वीक है, तो आप इसके थ्रू अपना मैटर क्वैश करा सकते हैं यानी ख़त्म करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए जिसके थ्रू आप अपने मैटर को जल्दी से जल्दी डिसाइड करा सकते हैं और आप रिलीफ पा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।